पेपर बहुत ही अच्छा आया था, मतलब टफ तो बिल्कुल भी नहीं था। एक दो तीन क्वेश्चन थे जो कि थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे और ज़्यादा दिमाग लगवाना था जिनमें, बाकी 20 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे। बाकी कुछ थे जो मॉडरेट थे और दो तीन डिफिकल्ट थे। और एग्जाम्पल जैसे कि डिफ्रेंसिएशन के कॉमन नॉर्मल इंटीग्रेशन का एक आया था, कॉमन टेंजेंट का एक आया था, और एक जो टफ वाला मुझे लगा वो था कि समेशन करना था 2n² + 7n + 5 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल वेयर n इज फ्रॉम 0 to ∞। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन थे। और प्रोबेबिलिटी का बहुत इजी क्वेश्चन आया था, PNC का एक क्वेश्चन आया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बस दो तीन ही आए थे, एलजेब्रा का अच्छा वेटेज था, उसमें से मेट्राइसिस में कंसिस्टेंट इक्वेशन वाला आया था, और एप्टीट्यूड तो हमेशा की तरह ही था, और प्लान और ड्राइंग भी अच्छी। ड्राइंग में क्या पूछा गया? फर्स्ट ड्राइंग में तो एक कोई इंसान का पूछा था कि ऐसे ही सेम टू सेम बनाओ, एक्चुअली उसमें शेडिंग बहुत अच्छी थी तो मुझे शेडिंग आती नहीं है। और दूसरा एक आया था कि कोई भी काइट फेस्टिवल का माहौल दिखाओ, तो अच्छा एक लड़की उड़ा रही है काइट। तुमने तो उड़ाई है ना काइट, तुम्हारी वीडियो भी उसकी वायरल हुई है। आपका नाम, कोचिंग का नाम, स्कूल का नाम सब बता दो। मेरा नाम प्रियांशी है, मैं टेको क्लासेस रेसिडेंशियल की स्टूडेंट हूँ और कार्मल कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ। पूरा नाम? प्रियांशी शर्मा, प्रियांशी शर्मा। और स्कूल? कार्मल कॉन्वेंट। और कोचिंग का नाम? टेको क्लासेस रेसिडेंशियल।